नमस्ते प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 3 हिंदी पाठ 4 मन करता है के प्रश्नोत्तर भाग 2 करवाने जा रही हूँ। तो भाग 2 में अगला प्रश्न है, सोचो और बताओ। इसका प्रश्न है, सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा? इसका उत्तर है बच्चों, सूरज आसमान में सारे संसार को प्रकाश देने के लिए दौड़ लगाता होगा। प्रश्न नंबर अगला है बच्चों, चिड़ियां शोर क्यों मचाती होंगी? इसका उत्तर है, चिड़ियां पेड़ों पर उछल कूद करके खुश होती होंगी, इसलिए शोर मचाती होंगी। अब अगला प्रश्न है बच्चों, चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा? इसका उत्तर है बच्चों, चंदा का प्रकाश अन्य तारों से अधिक होता है, इसलिए वह तारों पर अकड़ता होगा। अब अगला प्रश्न देखो बच्चों, दादा घर में कैसे धौंस जमाते होंगे? उत्तर है इसका, दादा घर में शरारत करने को मना करके कहीं आने जाने पर रोक लगाकर धौंस जमाते होंगे। अब है शोर, इसका प्रश्न है बच्चों, एक मिनट के लिए आंखें बंद करके बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ, ध्यान से आसपास की आवाजें सुनो। अब आंखें खोलो, क्या याद है तुमने किस किस की आवाज़ सुनी थी? नीचे उनके नाम लिखो। उत्तर है इसका, हमें पक्षियों की आवाज़, पंखे, टीवी, एसी की आवाज़, खेलते या रोते बच्चों की आवाज़, गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ इत्यादि सुनाई देती है, देती है ना बच्चों? अपनी आंखें बंद करके देखना, आपको भी आवाज़ें सुनाई देंगी। अब बच्चों अगला प्रश्न है, ये जो आपको आवाज़ें सुनाई दी ना, जब आप एक मिनट के लिए मौन में बैठे थे तो जो आपको आवाज़ें सुनाई दी थी, इनमें से कौन कौन बहुत शोर मचा रहे थे? तो इसका उत्तर है बच्चों, हवाई जहाज, बस, खेलते बच्चे, घंटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।